अस्सलामुअलैकुम भाइयों का क्या हाल चाल है। सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो संडे है आज, गाड़ी का ऑयल चेंज करवाया है और सर्विस करवा रहा हूँ। तो अभी एजेंसी जा रहा हूँ पैसे निकलवाने, गाड़ी सर्विस करवा रहा हूँ इसलिए। तो फिर कुछ काम करेंगे गाड़ी का जाकर, वो भी कल आपको दिखाएंगे। तो A few moments. और जनाब पैसा ले लिया एटीएम से, अभी जा रहे हैं वापस सर्विस स्टैंप की तरफ। तो वो उधर हमारी गाड़ी सर्विस हो रही है, तो ये इधर फाइन वगैरह वाले हैं। शाम को इनसे कुछ टिकेशन के दिखाएंगे इंशाल्लाह से। हमारे साथ रहिए, आज का ब्लॉग बड़ा मजे का आने वाला है। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी के बिल्कुल पास, हमारी गाड़ी रैंप के ऊपर लगी हुई है। तो वो जैसे ही बाहर आती है फिर हम चलेंगे घर इंशाल्लाह से। ये देखिए, ये ऐसा प्लग शॉट है, ऐसा प्लग शॉट है। ये हम जी गाड़ी सर्विस करवाने आए हैं। तो वो खच्चर एक आ गया इधर, बड़ा क्यूट सा किस्म का, वो पानी पीने लगा है। गाड़ी सर्विस, ये भी सर्विस होने आई है जी। बाबा जी ये भी सर्विस होने आई है। अच्छा जी, इधर हमारी गाड़ी पॉलिश हो रही है और इधर सर्विस होने आया है। और जी ये पानी पी रही है, इसको बहुत प्यास लगी हुई थी। इसका नाम क्या है, क्या क्या नाम है? नरगस। नरगस पानी पी रही है जी। मोबाइल का रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आ रहा? अब भी हमारी गाड़ी वॉश होएगी, सर्विस होएगी, फिर बाहर रहेगी, फिर इंशाल्लाह से। ये लड्डू खाने लगे हैं। और जनाब गाड़ी में भूख लगी हुई थी और ये प्रिंसिपल अल्टी खाने लगा। पुराने दौर की याद आ गई जब हम लोग जाते थे, वहाँ पे लड्डू मिट्टी पर आता था, वो खाते थे, बड़ा मजा आता था। अब वो बचपन याद आ गया, 15 साल पीछे चले गए। हाँ जी, गाड़ी सर्विस करवा ली है, आप चलते हैं कटिंग करवाते हैं। मोबाइल पर आ गाइस, एक तो डरता हुआ मैं तेल गाड़ी का चेंज करवा गए हैं, पैंट खोल आ गए हैं और घर आने पे फिर वैसे की वैसे पड़ी हुई है। अब ये भी ठीक करनी पड़ेगी, दिखाना है इधर इसका क्या हुआ, वो भी दिखाऊं दोस्तों को। खुद भी ऐसे काम करने चाहिए। ये पुली टूट गई है, कह रहे हैं ये उतर नहीं रहा, तो अभी मैं आपको उतार के दिखाता हूँ इसको। इंशाल्लाह ऐसे उतारेंगे। और ये उतर नहीं रहा था, ये देखिए 1 मिनट लगा, बाहर आ गया। और नई पुली कहाँ है वो पकड़ के लाएं ना, मुझे लगता है कि अलाइनमेंट भी आउट है। तो फिल वक्त तो हम ना तो ऐसे ना लगा दें, पहले भी ऐसी लगी हुई थी लगता है, और अलाइनमेंट आउट होने की वजह से ना ये पुली अक्सर आए दिन टूट जाती है। और तो पुली होगी टाइट, इसका मटेरियल इतना गंदा कि ये अभी बोल्ट हल्का सा टाइट किया, ये इसके ऊपर दरार आ गई है। अंदर करो। और ये छोटे छोटे काम आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। तकरीबन ये वो जो इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं उससे 1000 ले लिया, खुद कर लिया है। आप लोग भी ऐसे मेरे व्लॉग देखेंगे, आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेंगे जो आप लोग घर पे काम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएं। आप मशीन जो है ना वो नहीं ठीक हुई, उसका काफ़ी काम ख़राब हुआ है, उसका जो मोटर है ना उसके बैरिंग जाम हुए हैं, तो उसकी जो फटी लगी थी वो हमसे खुल नहीं रही। तो अब जो इलेक्ट्रिशियन है उसको कॉल किया, वो खोलेगा फिर उसको फिट करेंगे इंशाल्लाह से। तो अभी हम जा रहे हैं
बाइक का ऑयल शाइल चेंज करवाना है, संडे है ना आज, बाइक का काम शाम करवाना है। अब चलती है बाइक वाले के पास। तो थोड़ा ग्रीस देना है, तुझे ग्रीस दे दे। बताओ क्या करो, ये मोटरसाइकिल ठीक करवाने हैं। और लास्ट में ये फिर वो आवाज कर रहा है, पापा की आवाज है, जमा कर रहा है शायद। और तुम्हारी बाइक वो खड़ी है, अभी उसका काम हो जाए, बाकी दो घंटे पूरे हो गए यार। पंजे बहुत तंग कर रहे हैं, बाइक का पहला भी बहुत तंग कर रहे हैं, और हमारी बाइक होने लगी है क्लियर। और फिर अभी हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, राजा ने कहीं और दोनों कह रही पापा घर जाना है, लेकिन ये बहुत थक चुकी है, अभी हम जाएंगे घर। घर जाएंगे अच्छा जी। और जनाब बाइक शाइक का काम करवा के आगे, हम बहुत लेट हुए, बच्चों ने बहुत तंग किया है, तो अभी घर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।